हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मसल ऑफ मेस्टिकेशन। और मसल ऑफ मेस्टिकेशन में भी हम किस मसल के बारे में डिस्कस करेंगे? मैसेटर मसल के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो पहले हम मसल ऑफ मेस्टिकेशन में दो कॉमन पॉइंट्स देखेंगे। वो दो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं कि जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन होती है वो कहाँ से डेवलप होती है? वो हमारी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप होती है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इसको जो सप्लाई करती है वो हमारी मेंडिबुलर नर्व करती है, जो कि हमारा किसका पार्ट होता है? फिफ्थ क्रेनियल नर्व का पार्ट होता है। तो इसकी नर्व सप्लाई को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत फिफ्थ क्रेनियल नर्व के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ से डिस्कस कर देता हूँ, ब्रीफ से आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। तो अगर मैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व की बात करता हूँ तो ये हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। इसकी तीन ब्रांचेज होती हैं, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ऑप्थैल्मिक की अगर मैं बात करता हूँ तो जो ऑप्थैल्मिक और मैक्सिलरी है वो हमारी सेंसरी होती है, और जो मैंडिबुलर होता है वो हमारा मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड मतलब सेंसरी भी होगा और मोटोर भी होगा। और मैंडिबुलर की फर्दर तीन ब्रांचेज होती हैं, ट्रंक होता है, एंटीरियर डिवीजन होता है और पोस्टीरियर डिवीजन होता है, जिसमें से जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो हमारी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई नहीं करती हैं, इसीलिए मैंने उसके सामने क्रॉस लगा दिया है। वहीं जो ट्रंक और जो एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेज हैं वो हमारी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करती हैं। तो जो हमारी ट्रंक है वो हमारी मीडियल टेरिगोइड मसल को सप्लाई करती है। तो ट्रंक की ब्रांचेज जो है हमारी किसको सप्लाई करेगी? सिर्फ एक मसल को सप्लाई करती है, वो है हमारी मीडियल टेरिगोइड मसल को। और जो हमारी एंटीरियर डिवीजन है उसकी जो ब्रांचेज हैं वो हमारी मैसेटर, टेम्पोरेलिस और लेटरल टेरिगोइड मसल को सप्लाई करती है। तो जो हमारी एंटीरियर डिवीजन है उसकी जो ब्रांचेज हैं वो हमारी मैसेटर, टेम्पोरेलिस और लेटरल टेरिगोइड मसल को सप्लाई कर रही हैं। वहीं जो ट्रंक की जो ब्रांचेज हैं वो हमारी किसको सप्लाई कर रही है? मीडियल टेरिगोइड मसल को सप्लाई कर रही है। तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन में हमारी कौन कौन सी मसल आती है? मैसेटर, टेम्पोरेलिस, लेटरल टेरिगोइड एंड मीडियल टेरिगोइड मसल, जिसमें से मैसेटर, टेम्पोरेलिस, लेटरल टेरिगोइड को एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, और जो मीडियल टेरिगोइड है उसको हमारी ट्रंक की ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं। तो अब हम एक एक करके मसल देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे मैसेटर मसल के बारे में। तो मैसेटर मसल की बात करें तो उसमें हम देखेंगे, पहली बात, चार पॉइंट्स में इसको पढ़ेंगे। जितनी भी मसल है पांच पॉइंट्स में बेसिकली इन सारी मसल्स को हम पढ़ेंगे। इसके ओरिजिन देखेंगे, फाइबर्स देखेंगे। फाइबर्स इसीलिए हम समझेंगे, अगर हमने फाइबर्स को अच्छे से समझ लिया तो हमें इसके एक्शंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर इंसर्शन देखेंगे, इसकी नर्व सप्लाई देखेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और फिर हम इसका क्या देखेंगे? एक्शन देखेंगे। तो पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो उसमें हमें एक टर्म याद रखनी है, जाइगोमेटिक आर्च। इसी जाइगोमेटिक आर्च के डिफरेंट पोर्शन से इसकी डिफरेंट लेयर्स का ओरिजिन होता है। इस मैसेटर मसल की हमारी तीन लेयर्स होते हैं, सुपरफिशियल लेयर, मिडल लेयर एंड डीप लेयर। सुपरफिशियल लेयर हमारा एंटीरियर टू थर्ड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च से डेवलप होगा। मिडल लेयर हमारा पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च से डेवलप होगा। और जो डीप लेयर है वो हमारा डीप सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक आर्च से डेवलप होगा। एक और बार, सुपरफिशियल लेयर एंटीरियर टू थर्ड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च से ओरिजिन होता है इसका। और मिडल लेयर का ओरिजिन होता है हमारा पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च से, और डीप लेयर का ओरिजिन होता है डीप सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक आर्च से। तो हमारा ओरिजिन हो गया। अब हम देखते हैं इसके फाइबर्स। तो फाइबर्स की अगर हम बात करें तो इस मैसेटर मसल में हमारे दो तरीके के फाइबर्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं ओब्लिक फाइबर्स और दो और वर्टिकल फाइबर्स। ओब्लिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे और वर्टिकल फाइबर्स देखने को मिलेंगे। और फाइबर्स भी ऐसे ही होंगे, हमारे सुपरफिशियल फाइबर्स होंगे, मिडल फाइबर्स होंगे और डीप फाइबर्स होंगे। जिसमें से जो सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? ओब्लिक होते हैं। वहीं जो मिडल फाइबर्स होंगे और जो हमारे डीप फाइबर्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे? वर्टिकल होंगे। तो सुपरफिशियल फाइबर्स हमारे क्या हैं? ओब्लिक है,
ओब्लिक एंड डाउनवर्ड, और कितने का एंगल बना रहे, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वहीं जो मिडल फाइबर्स और डीप फाइबर्स हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे होते हैं। अगर मैं इसके इंसर्शन की बात करता हूँ, तो इंसर्शन में जैसे ओरिजिन में सिर्फ हमें एक टर्म याद रखनी थी, जाइगोमेटिक आर्च, इंसर्शन में भी एक चीज़ याद रखो, रैमस ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल के वैसे दो पार्ट होते थे, बॉडी वाला पार्ट होता था, एक रैमस वाला पार्ट होता था। तो इसके रैमस वाले पार्ट के डिफरेंट पोर्शन से डिफरेंट जो लेयर्स हैं इस मैसेटर मसल की, वो इंसर्ट होती हैं। तो वो कौन कौन से, जैसे अगर मैं सुपरफिशियल लेयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो सुपरफिशियल लेयर जो है वो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल से में इंसर्ट होती है। जो मिडल लेयर है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल में इंसर्ट होती है, और जो डीप लेयर है वो रेस्ट ऑफ द रैमस ऑफ द मैंडिबल में इंसर्ट होती है। अगर मैं इसकी नर्व सप्लाई की बात करता हूँ, तो हमारी मैसेटर मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, मैसेट्रिक नर्व। कौन सी सप्लाई करेगी, मैसेट्रिक नर्व। और ये मैसेट्रिक नर्व हमारी किसकी ब्रांच है, तो ये हमारी एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। मैंने बताया था कि जो मैसेटर है, टेम्पोरेलिस है, लेटरल टेरिकोइड है, इसको कौन सी डिवीजन सप्लाई करेगी, एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करेगी। और जो हमारी एक बच गई मीडियल टेरिकोइड, उसको किसकी ब्रांचेस सप्लाई करती है, ट्रंक की ब्रांचेस सप्लाई करती है। तो जो हमारी मैसेटर मसल है उसको, उसकी नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें, तो मैसेट्रिक नर्व जो कि हमारी किसकी ब्रांच है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व की, तो ये इसकी नर्व सप्लाई हो गई। अब अगर मैं इसके एक्शन की बात करूं, तो इसके एक्शन में हमारे पता हो रहे, इसके एक्शन में हमने बताया कि अगर हमें फाइबर्स पता है तो हमें एक्शन के बारे में पता चल जाएगा। तो इस डायग्राम से इसके एक्शन को समझते हैं। तो इस डायग्राम में ये दिख रहा होगा, ये हमारा इंटीरियर है, ये हमारा पोस्टीरियर, ये हमारा इंफीरियर, ये हमारा सुपीरियर, और ये जो है ये हमारा बेसिकली क्या है, मैंडिबल बोन दिखा रखी है मैंने ये, और ये जो मैंडिबल बोन है इसका ये लेटरल व्यू है। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के फाइबर्स देखने को मिल रहे होंगे, एक तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड हैं और एक ये ओब्लिक फाइबर्स हैं। अगर मैं इस वर्टिकली डाउनवर्ड फाइबर्स की बात करूँ, तो ये हमारे वर्टिकली डाउनवर्ड फाइबर्स हमारे कौन होते थे, मिडल और डीप फाइबर्स, और ये ओब्लिक जो 45 डिग्री बना रहे हैं ये हमारे क्या है, सुपरफिशियल फाइबर्स। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये जो हमारे वर्टिकल फाइबर्स हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, इस मैंडिबल बोन को क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे, मतलब ये इसको ऊपर उठाएंगे, यानी ये एलिवेट करेंगे मैंडिबल को। और अगर मैंडिबल एलिवेट होगी तो हमारा जो माउथ है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वहीं अगर मैं सुपरफिशियल मसल की बात करता हूँ, सुपरफिशियल फाइबर्स की बात करता हूँ, तो अगर ये सुपरफिशियल फाइबर्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वजह से मैंडिबल थोड़ा ऊपर तो उठेगी, पर साथ में ये क्या जाएगी, आगे जाएगी। यानी ये जो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं ये हमारे क्या करेंगे, प्रोट्रूशन में हेल्प करेंगे मैंडिबल के। तो इसके एक्शन में हमें समझ में आ गए, जो हमारे वर्टिकल फाइबर्स हैं जो कि हमारे कौन से थे, मिडल और डीप फाइबर्स थे, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एलिवेट करते हैं मैंडिबल को, और एलिवेट होगा मैंडिबल तो माउथ क्या होगा, क्लोज होगा। वहीं जो हमारे सुपरफिशियल फाइबर्स हैं जो कि हमारे ओब्लिक थे, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, मैंडिबल को के प्रोट्रूशन में हेल्प करेंगे, यानी ये प्रोट्रूशन में हेल्प करेंगे, यानी कि मैंडिबल को आगे की तरफ धकेलेंगे, यानी इसको हम क्या बोलते थे, प्रोट्रूशन बोलेंगे। तो ये इसके दो एक्शंस हो गए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।